और अब बात करते हैं पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है। 20,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का पीएम मोदी आज तोहफा दे सकते हैं। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय पंचायत दिवस कार्यक्रम में भाग लेने जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां से देशभर की ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम अमृत सरोवर का भी शुभारंभ करेंगे। साथ ही पीएम मोदी सांबा जिले के पल्ली पंचायत का आज दौरा करेंगे। अपनी यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि वे अमृत सरोवर पहल का उद्घाटन करने के लिए उत्सुक थे, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये पहला हमारे देश के सभी जिलों के जल निकायों को जीवंत करने और पानी की एक एक बूंद को बचाकर संरक्षण करने की दिशा में एक सामूहिक प्रयासों का विशेष क्षण होगा। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले किस तरह की सिक्योरिटी बीफ की गई है, हमारे साथ बात करने के लिए डीजी जे जम्मू कश्मीर पुलिस है, साथ में एडीजी भी हैं, दोनों से ही बात करेंगे। जिस तरह से एक इनकाउंटर हुआ है जम्मू में, यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर किस तरह की सिक्योरिटी लगाई गई है और हम बोल सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी मेजर्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री के इस विजिट के लिए? आप जानते हैं कि 2 ही दिन पहले जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे एक इनकाउंटर हुआ है। दोनों दहशतगर्द जो मारे गए पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान से आए थे और बॉर्डर पार करके ताजा इन्फिल्ट्रेशन की एक बिड थी उसके जरिए से आए थे। इसको देख के ये अंदाजा लगता है कि इस इवेंट के करीब तक इन्फिल्ट्रेशन होकर के अगर जैश का कोई ग्रुप यहाँ पर आता है और वो भी उस तरह का ग्रुप जो सुइसाइडल वेस्ट साथ में लेकर के आया है, बड़ी तैयारी के साथ आया हुआ है और जिसका मकसद था कि किसी बड़ी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को एंगेज करना या कोई बड़ा कांड यहाँ पर जम्मू के आसपास करना, ये बहुत अच्छा है कि हम लोग वक्त से इत्तला मिली, टाइमली एक्शन हुआ और जम्मू पुलिस ने मिलकर के बाकी सब एजेंसीज के साथ बहुत जल्द इस थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। इसके अलावा जो कुछ एक इंसिडेंट टेरर रिलेटेड पहले उधमपुर या रजौरी या इस खत्ते में हुए हैं उनको देखते हुए भी ये लगता है कि एडवर्सरी हमेशा जम्मू के माहौल में कहीं ना कहीं खलल डालने की कोशिश में वो लुकआउट पर रहते हैं। हम लोग ये विजिट जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का है इसके मद्देनजर हर तरह की वो तैयारी कर रहे हैं और हर तरह का सुरक्षा का इंतजाम ग्राउंड पे किया गया है, चाहे एरियल सर्विलेंस का इंतजाम हो, चाहे ग्राउंड के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स का प्रोग्राम हो, सब चीजें जो है अच्छे से देखी जा रही हैं।